बार्गर और हम फोर प्लेस कवर करने वाले हैं। ब्लॉग कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो स्किप बिल्कुल मत करना। और एक एक प्लेस की मैं सारी स्टेप बताऊंगी कि आपको कैसे कैसे जाना है, कितना बजट होगा। ब्लॉग एंड तक देखते रहना ठीक है, क्योंकि मैं आपको बजट फुली बताने वाली हूँ। और मैं कोई भी एक प्लेस पे जाती हूँ तो हर प्लेस का आपको पूरी डिटेल बताती हूँ। जैसे कि एक प्लेस में आपको बहुत सारी प्लेसेस देखने को मिलती है मेरे ब्लॉग में। सो ना मैं निकली हूँ घर से 3 बजे, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो सबसे पहले ना मैं खारगर ओवी डैम जिसे बोलते हैं वो कवर करने वाली हूँ। आपको खारगर स्टेशन के बाहर ही 54 नंबर की बस मिलेगी जो आपको ओवी कैंप ड्रॉप करेगी इन जस्ट 13 मिनट्स। सिर्फ हमें 22 मिनट्स लगे ओवी कैंप पहुंचने में। तो जैसे ही हम ओवी कैंप बस स्टॉप पे पहुंचे, हमें पता चला कि वो जो खारगर ट्रैक पॉइंट था वो पहले आता है, उसके 5 मिनट्स के वॉकिंग के बाद ही ओवी डैम आता है। तो हम पहले ओवी डैम में विजिट करते हैं, लेट्स गो। सो सेकंड प्लेस इज खारगर ट्रैकिंग पॉइंट। सो आप यहाँ पे दो जगह ट्रैक कर सकते हो, जैसे ये वाला प्लेस 5 मिनट का है और वो जो टॉप पे देख रहे हो वो 10 मिनट्स का ट्रैक है। सो हमने 10 मिनट्स का ही ट्रैक प्रेफर किया। एक इम्पॉर्टेंट बात, आप यहाँ पे ना मानसून पे मत आना, क्योंकि मानसून में आप आओगे ना तो फिसलन है ना कुछ ज्यादा ही हो जाती है। अभी जैसे कि आज बारिश नहीं हुआ तो मेरे लिए काफी ज्यादा इजी था ट्रैक करने के लिए, बट मानसून में बिल्कुल भी मत आना। तो यहाँ पे जो 5-6 ईयर के बच्चे थे वो भी काफी इजीली ट्रैक कर रहे थे। सो हाँ, ये ट्रैक काफी ज्यादा इजी है बच्चों के लिए भी, सो आप इजीली कवर कर पाओगे। मैं जितना ऊपर जा रही हूँ उतनी हवा तेज हो रही है, सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई पतला इंसान आएगा ना तो ऊपर जाते जाते उड़ ही जाएगा। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। व्यू फ्रॉम दिस प्लेस, ओ माय गॉड। सो नेक्स्ट प्लेस इज सेंट्रल पार्क। आपको ओवी कैंप से सेंट्रल पार्क के लिए बस लेनी है जो आपको सिर्फ चार्ज करती है 10 रुपीज, बट हाँ जहाँ पे आपको ओवी कैंप के लिए ड्रॉप किया था उसके सामने वाला बस स्टॉप लेना है। देखते हैं कैसा है, देख के तो लग नहीं रहा है कुछ ज्यादा कुछ खास है। अच्छा, क्योंकि हमारा जो कंसोली का सेंट्रल पार्क था वो कुछ ज्यादा ही अच्छा था, देख के तो लग ही नहीं रहा, बट लेट्स सी। देख ठीक है। अरे यार, ओवी कैंप से मुझे सेंट्रल पार्क आने में सिर्फ 7 मिनट्स लगे बस से। सो यू कैन सी लॉट्स ऑफ ग्रीनरी हेयर, और आपको यहाँ पे पार्किंग के लिए भी बहुत एरिया मिलता है। और हाँ, यहाँ पे ज़्यादा ही ग्रीनरी था, बट हाँ कुछ ऐसा प्लेस नहीं था कि जो फोटोशूट के लिए अच्छा हो मेरे हिसाब से, बट हाँ अच्छा था। सो मैं यहाँ पे नेचर के साथ क्लाइमेट को भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी, क्योंकि क्लाइमेट कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया था, लग रहा था बारिश होने वाली है। अब मुझे जल्दी से जाना है इस्कॉन टेम्पल, क्योंकि 7 बजे आरती रेडी हो जाता है। वैसे यहाँ से तो सिर्फ 5 मिनट्स के वॉकिंग पे ही है, तो मुझे कुछ नहीं। और मुझे ना यहाँ पे तालाब भी देखने मिला कि बहुत ज़्यादा बड़ा तालाब था, लाइक मैं जहाँ पे भी जा रही थी वहाँ पे से ख़त्म ही नहीं हो रहा था तालाब, तो बहुत अच्छा था। और वहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था, सनसेट के लिए भी काफ़ी अच्छा, आप मॉर्निंग में आओगे तो भी अच्छा रहेगा।
जैसे कि मैंने बोला था बारिश होने ही वाली है, सब यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, सब अपने घर जा रहे हैं बारिश होने के कारण। बट हाँ, मुझे भीगना भी थोड़ा अच्छा ही लगता है, तो मैं एंजॉय कर रही थी। तो ये वही स्पॉट है जो बहुत फेमस है, रील पे हमेशा आता है, स्टेडियम के टाइप रहता है। सो हाँ, ये भी अच्छा ही था। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, मैं सारी प्लेस जो है वो उल्टा कवर कर रही हूँ, तो आप ऐसा मत करना। आप पहले इस्कॉन टेम्पल विजिट करना, फिर सेंट्रल पार्क विजिट करना, उसके बाद ट्रेकिंग पॉइंट खारगर ट्रेकिंग पॉइंट में जाना, उसके बाद ओवी डैम जाना, ठीक है? क्योंकि मैंने उल्टा इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कुछ ज्यादा ही रात हो जाएगा, बट जो ट्रेकिंग भी था ना वो सिर्फ 5 मिनट्स के ट्रेकिंग में मेरा पूरा ट्रैक हो गया था। सबसे इजी ट्रैवल करना, मतलब आसपास में सारी प्लेस आपको मिल जाए तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। जैसे कि मुझे सेंट्रल पार्क और इस्कॉन टेम्पल है ना, दोनों 5 मिनट के डिस्टेंस पे मिला, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं सेंट्रल पार्क के बाद डायरेक्टली जाऊंगी मैं इस्कॉन टेम्पल, उसके बाद डायरेक्टली घर। सो नवी मुंबई में इतना ब्यूटीफुल इस्कॉन टेम्पल होने के बाद भी सब जुहू वाले में जाते हैं, बट मैंने हर टाइम देखा है कि हर कोई जो इस्कॉन टेम्पल जिन्हें विजिट करना रहता है वो जुहू वाले जाते हैं। कभी भी ऐसे खारगर वाले इस्कॉन टेम्पल पे मैंने कभी विजिट करते हुए नहीं देखा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ विजिट करो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पे आओगे, क्योंकि यहाँ पे ना आके पता नहीं अलग सा ही सुकून जैसा मिलता है। सो अभी बज रहे 6 और आरती कब की स्टार्ट हो चुकी है, तो जो कान्हा जी का मुख है वो हमें 7 बजे देखने को मिलेगा। तो मैं 1 घंटा आरती में बैठी थी, मुझे बहुत ज़्यादा पीसफुल फील हुआ। अकेले रहने की आदत है, पर श्री कृष्ण कहते हैं इसका कोई नहीं, इसका मैं हूँ सदैव। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मत करना, वीडियो अच्छी थी तो लाइक करना।